लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, देश की राजनीति दिलचस्प होती जा रही है। सभी पार्टियां एजेंडा सेट करने में लगी हुई हैं। इस दौरान बीजेपी छोटी छोटी पार्टियों को अपने पाले में लाकर 400 से ज्यादा सीट जीतने के फिराक में है। तो वहीं राहुल गांधी पिछले एक महीने से भारत न्याय यात्रा पर है और एक एक सीट को साधने का काम कर रहे हैं। ऐसे में कुछ सीटें ऐसी हैं जो लोकसभा चुनाव से पहले ही चर्चा में आ गई हैं। इसमें गुजरात के भरूच लोकसभा सीट भी शामिल है। तो आइए सीट और सियासत के इस एपिसोड में बात करते हैं भरूच लोकसभा सीट की और समझते हैं वहां के चुनावी समीकरण के बारे में। कैसा है भरूच लोकसभा सीट? भरूच लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इनमें से 6 पर बीजेपी का कब्जा है। इनमें करजन, जुम्बूसार, वागरा, झगाड़िया, भरूच और ओंकालेश्वर शामिल है और एक सीट आपके नाम है जो कि डेडिया पाड़ा सीट है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान इस सीट पर बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। कुल वोट 51% बीजेपी को मिले थे जबकि कांग्रेस को 26% वोट मिले थे। लेकिन विधानसभा चुनाव में एक भी सीट जीतने में कांग्रेस पार्टी सफल नहीं रही थी। तो वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस सीट पर बीजेपी को 55.8% वोट मिले थे जबकि कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में 26.6% वोट मिले थे। बीजेपी प्रत्याशी मनसुख भाई वासावा ने 6,37,000 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी जबकि शेर खान अब्दुल सकूर पठान को 3,03,581 वोट मिले थे। कैसी है वोटों की गणित? भरूच लोकसभा सीट गुजरात के 26 लोकसभा सीटों में से एक है। संसदीय सीट के तहत पूरा भरूच जिला, नर्मदा जिले का कुछ हिस्सा और बड़ोदरा जिले का कुछ हिस्सा आता है। साल 1957 से ही ये सीट अस्तित्व में है। पहली बार यहां से कांग्रेस प्रत्याशी ने लोकसभा का चुनाव जीता था। इसके बाद साल 1989 तक इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा और 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ने कांग्रेस के प्रत्याशी अहमद पटेल को हरा दिया था। इसके बाद से ही यहां बीजेपी का कब्जा है। इस सीट पर सबसे ज्यादा एसटी मतदाता, इनकी संख्या करीब 6,05,347 के करीब है। ये कुल मतदाता के करीब 38.7% है। एससी मतदाता लगभग 61,000 है जो कि 3.9% है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 1,48,454 है। ये कुल मतदाताओं के 10% है। इस संसदीय सीट पर ग्रामीण मतदाताओं का दबदबा है। इनकी संख्या लगभग 11,26,228 है जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार ये लगभग 72% है। तो वहीं इस सीट पर शहरी मतदाताओं की संख्या 4,37,977 है जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 28% है। भरूच लोकसभा सीट पर क्यों फंसा है पेच? दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इंडिया गठबंधन बनाया है। इस गठबंधन के तहत ही सीटों का बंटवारा हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब, दिल्ली और गुजरात में मजबूत स्थिति में है। इन दोनों पार्टियों के बीच ही इन तीनों राज्यों में सीट शेयरिंग होनी है। दिल्ली में 4 सीट पर आम आदमी पार्टी और 3 सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। कुछ इसी तरह का समझौता गुजरात में भी हुआ है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी 2 सीट भरूच और भावनगर पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं बाकी के 24 सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। अब भरूच सीट पर कांग्रेस के कद्दावर दिवंगत नेता अहमद पटेल के बेटे और बेटी दावा ठोक रहे हैं और आपको दिए जाने की वजह से काफी नाराज हैं, जिसकी वजह से ये सीट चर्चा में अब आ गई है। अहमद पटेल की बेटी क्यों ठोक रही है दावा? भरूच लोकसभा की सीट अहमद पटेल की मानी जाती रही है। हालांकि 1989 के बाद से कोई भी कांग्रेसी यहां से चुनाव नहीं जीत सका है लेकिन साल 1977, 1980 और 1984 में अहमद पटेल लगातार तीसरी बार वहां से सांसद चुने गए थे। इसके बाद से कांग्रेस पार्टी का नेता कोई भी जीत नहीं सका है। इसके बावजूद अहमद पटेल की बेटी इसे अपना विरासत समझ रही है और पिता के निधन के बाद से मुमताज पटेल का ज्यादातर समय भरूच में ही बीतता है। वह इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में थी। कहा जाता है कि वह विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी पेश नहीं की थी क्योंकि वह लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती थी। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उनकी तैयारी दिल्ली से भरूच और अपना घर संभालने की थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। तो वहीं इस बात की भी चर्चा है कि आपके प्रत्याशी चैत्र वसावा के साथ उनका पुराना मनमुटाव भी रहा है जिसकी वजह से भी माना जा रहा है कि गठबंधन की यह सीट फंस सकती है। कौन है चैत्र वसावा?
चतर भाई दामजी भाई वसावा गुजरात में आम आदमी पार्टी के अहम चेहरा हैं। वह मौजूदा समय में आपके विधायक भी हैं। जनवरी 2023 में उन्हें गुजरात विधानसभा में आपके विधायक दल के नेता के तौर पर नियुक्त किया गया था। पिछले कुछ महीनों से कथित तौर पर वन कर्मियों को धमकाने के एक मामले में जेल में बंद थे। हालांकि फरवरी महीने की शुरुआत में ही उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। भरूच में वसावा समुदाय की आबादी तकरीबन 38% तक बताई जाती है, तो वहीं एसटी वहां पर बाहुल्य है। कांग्रेस पार्टी के साथ आने से यदि मुस्लिम वसावा के साथ एकजुट होता है तो आप प्रत्याशी को जीत मिल सकती है और करीब 4 दशकों से बीजेपी का कब्जा खत्म हो सकता है। तो ये थी भरूच लोकसभा सीट से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।